Hello everyone. Let's see MCQs on introduction to different dosage forms, the topic from Pharmaceutics 1 of Diploma course in Pharmacy. So let's see the first question. An agent or substance intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention of disease in human beings or animal is called. So question है, ऐसा agent या फिर ऐसा substance जो कि use किया जाता है इसके लिए, diagnosis के लिए, mitigation के लिए, prevention के लिए, treatment के लिए, cure के लिए, किसके लिए? Diseases in human being or animal, मतलब कि जानवर या फिर मनुष्य प्राणी के जो भी ailments है या फिर diseases है, जो बीमारियां है, उन्हें either treat करना हो, होने ही नहीं देना है, उनका डायग्नोसिस हल निकालना है कि ये क्या है, कौन सा डिसीज है, क्योर करना है या फिर हो गया है और आगे उसे प्रिवेंट करना है ना होने के लिए। तो ये एजेंट है या फिर सब्सटेंस है, इसे क्या कहते हैं? डोज, डोसेज फॉर्म, ड्रग और एडिट्यू। डोज तो ये आगे की बात है, डोसेज फॉर्म मतलब कि ये टेबलेट है, कैप्सूल है, लिक्विड है, ऑइंटमेंट है, तो ये नहीं हो सकता डोसेज फॉर्म। ड्रग एंड एडिट्यू, एडिट्यू इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डोसेज फॉर्म। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ड्रग, क्योंकि ड्रग ये एजेंट है या फिर सब्सटेंस है जो कि डिसीज के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, डिसीज के मिटिगेशन के लिए यूज किया जाता है, डिसीज हो गया तो ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है या फिर क्योर या प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि मनुष्य में बल्कि जानवरों में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इन डिफरेंट डैश बाय कन्वर्टिंग देम इनटू सूटेबल फॉर्मुलेशन। तो ड्रग्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं मतलब कि लिए जाते हैं इन डिफरेंट, मतलब कि कौन सा तो वे है, बाय कन्वर्टिंग देम, ये ड्रग कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू सूटेबल फॉर्मुलेशन, किसी भी सूटेबल फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किए जाते हैं और यूज किए जाते हैं। तो ये क्या है? डोज, फिर भी ये नहीं हो सकता डोसेज फॉर्म, तो राइट, ये डोसेज फॉर्म है। ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू द डोसेज फॉर्म, ड्रग का कन्वर्जन किया जाता है डोसेज फॉर्म में और सुटेबल फॉर्मुलेशन में ये कन्वर्ट करने के बाद लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेन प्योर पैरासिटामोल है तो ऐसे ही नहीं लिया जाता, 500 मिलीग्राम पाउडर ऐसे ही नहीं ली जाती, तो इसे कन्वर्ट किया जाता है इन द डोसेज फॉर्म, दैट इज द टैबलेट या फिर लिक्विड या फिर सीरम, so that is called the dosage form, और ये लिया जाता है। तो ये क्यों लिया जाता है, dosage form की जरूरत क्या है, ये तो हमने वीडियो में देखा है, हम MCQ में सिर्फ उसके बारे में question answer देखेंगे। ड्रग तो ये खुद रहेगा, dosage form में एक ड्रग रहेगा, एक एडिटिव रहेगा, और ये कितनी मात्रा में लेना है जिसे हम कहते हैं डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रग्स आर डैश एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल और क्रूड फॉर्म, मतलब के ड्रग्स यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल और क्रूड फॉर्म, ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड, ओकेजनली एडमिनिस्टर्ड और रेयरली एडमिनिस्टर्ड। तो हमने इस बारे में जो वीडियो देखा है इंट्रोडक्शन का डोसेज फॉर्म का, तो इसमें हमने डिस्कस किया है कि ड्रग्स जैसे भी है क्रूड फॉर्म, मतलब कि जो रॉ फॉर्म में है या फिर उनके मूल स्वरूप में है, वैसे यूज नहीं किए जाते, रेयरली यूज किए जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी तकलीफ या बहुत सारी परेशानियां होती है, केमिकल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमें जैसे कि एक्सपेक्टेड है वैसे नहीं मिल पाती, इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे प्रोसेस करने के बाद डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यूजुअली मतलब कि कई बार, ऑलवेज मतलब कि हमेशा, ओकेजनली मतलब जस्ट एकाध ओकेजन हो या फिर यूजुअली से भी कम, रेयरली मतलब ना के बराबर, मतलब कभी एकाध बार लिया जाता है, अदरवाइज नहीं लिए जाते। तो करेक्ट आंसर इज, ड्रग्स आर रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल और क्रूड फॉर्म। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आप इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म जो है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं, इसके बाद ही आप एमसीक्यू ट्राई कीजिए। नेक्स्ट इज, द कैरियर थ्रू विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी इज डोज, डोसेज फॉर्म, ड्रग और एडिट्यू, मतलब कि इनमें से कौन सा कैरियर है, कैरियर मतलब कि कैरी करने वाला, वहन करने वाला या फिर ट्रांसपोर्ट करने वाला, दैट इज द कैरियर, इनमें से कौन है कैरियर थ्रू विच, जिसके द्वारा
ड्रग मोलिक्यूल्स जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसे हम ड्रग मोलिक्यूल कहते हैं आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन, जहाँ कहाँ भी हमें जरूरत है, मतलब कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है या फिर तकलीफ है, दैट इज द साइट ऑफ एक्शन, तो वहां तक डिलीवर करने वाला ये कैरियर कौन है, ड्रग मोलिक्यूल को वहां तक डिलीवर करने वाला कैरियर कौन है, इनमें से कौन है। डोज, ये डोज मतलब की मात्रा है, मतलब की क्वांटिटी है, ड्रग की कितनी क्वांटिटी है, तो ये तो इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है। डोसेज फॉर्म हम बाद में देखेंगे। ड्रग, तो ड्रग खुद ही ट्रांसफर करना है हमें, ड्रग को ही किसी को ले जाना है साइट ऑफ एक्शन की तरफ, तो ये ड्रग तो नहीं हो सकता। एडिटिव, एडिटिव इज वन ऑफ द पार्ट, जैसे कि ड्रग मोइटी है वैसे ही नॉन ड्रग मोइटी है, नॉन ड्रग कंपोनेंट है जिसे हम घटक कहते हैं, दैट इज एडिटिव और एक्सिपिएंट, तो सही ऑप्शन है डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म है जो कि कैरियर है, कि जो ड्रग मोलेक्यूल को थ्रू डोसेज फॉर्म पहुंचाता है एट द साइट ऑफ एक्शन। हमने वीडियो में डिस्कस किया है, इसका जो थ्योरेटिकल वीडियो है इसमें हमने डिस्कस किया है कि गोल्डन मिल्क जिसे हम हल्दी वाला दूध कहते हैं, तो ये हल्दी वाला दूध रहा डोसेज फॉर्म, जिसमें हल्दी है ये रहा ड्रग। एक ग्लास हल्दी वाला दूध, मतलब एक ग्लास ये डोज रहा, हल्दी वाला दूध डोसेज फॉर्म रहा, इसमें हल्दी है जो वो रही ड्रग, और एडिटिव रहे शुगर, शक्कर और मिल्क, ये रहे एडिटिव, जिन्हें कुछ भी थेरापेटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। जो भी हम यूज कर रहे हैं मिल्क या शुगर, ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम, जस्ट हल्दी को हमें इजीली लेना है, पैलेटेबल करना है, इसलिए हमें ऐड कर रहे हैं, दैट इज द एडिटिव। तो हमारे लिए ड्रग मेन कौन है, हल्दी है, टर्मरिक है। सो द करेक्ट आंसर इज द डोसेज फॉर्म, हल्दी वाला दूध जो कि हल्दी को हमारे स्टमक में पहुंचाता है, इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डोसेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट। हर एक डोसेज फॉर्म एक कॉम्बिनेशन रहता है, एक मिक्सचर रहता है, जिसमें एक क्या रहता है ऑफ द ड्रग, ड्रग पार्ट रहता है, मतलब कि मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट, और एक रहता है नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट जिसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है, क्वेश्चन है। तो एक्सिपिएंट, API, both or none. API का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब कि ड्रग। तो ऑलरेडी हमें बताया गया है कि कॉम्बिनेशन में एक ड्रग रहता है, तो दूसरा क्या होता है जिसे हम नॉन ड्रग कंपोनेंट कहते हैं, तो दूसरा है एक्सिपिएंट, जिसे हम इत्यादि कहते हैं ना, मिसलेनियस, जिन्हें कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं है, जिन्हें कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, या फिर है तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कह सकते हैं कि थेरापेटिक या मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, फिर भी यूज किए जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मेंटेन करने के लिए, जो कि नॉन ड्रग कंपोनेंट है, इन्हें कहते हैं एक्सिपिएंट, और इन्हें एक और एक नाम है, अनादर नेम इज द एडिटिव। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सिपिएंट। ओके, अब हम थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन देखेंगे। एवरी डोसेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट कॉल्ड। तो इसमें क्या है, देखिए डाइल्यूएंट का मतलब है हमें जो डाइल्यूट करना होता है ना, जो कुछ भी है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, पतला करना होता है, तो हम डाइल्यूएंट यूज करते हैं। एपीआई का मतलब हमने अभी डिस्कस किया। एडिटिव का अनादर नेम है एक्सिपिएंट, तो लास्ट स्लाइड में ये एक्सिपिएंट था, इस स्लाइड में ये एडिटिव रहेगा, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, एडिटिव्स आर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन टू, what to give to the formulation, to give a particular shape, to increase the stability and palatability, to increase the therapeutic activity and to get more elegance to preparation. To give a particular shape, मतलब कि अगर ये tablet है या फिर ointment है, semi solid dosage form है, तो इसे कुछ तो shape देना होता है हमें, तो इसलिए additive use किए जाते हैं। To increase the stability and palatability, yes, अगर ये कड़वा है तो उसे मीठा बनाया जाता है, अगर ये स्टेबल नहीं है तो कुछ स्टेबिलाइजर ऐड किए जाते हैं, जो कि एडिटिव्स है, इनके कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं प्रिपरेशन की। तो इंक्रीज द थेरापेटिक एक्टिविटी, नो, एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स दे डू नॉट हैव एनी थेरापेटिक और मेडिसिनल वैल्यू, तो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। टू गेट मोर एलिगेंस टू प्रिपरेशन, तो हमारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी दिखनी चाहिए, तो कलरिंग एजेंट, ओपेसिफाइंग एजेंट, ये एक्सटर्नल लुक बढ़ाने के लिए भी एडिटिव यूज किए जाते हैं।
करेक्ट आंसर जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है टू इंक्रीज द थेरापेटिक एक्टिविटी, इसके लिए एडिटिव नहीं यूज किए जाते. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. अब एडिटिव के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट जानना है. टू गिव अ पर्टिकुलर शेप करेक्ट, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड पैलेटेबिलिटी करेक्ट, टू गेट मोर एलिगेंस टू प्रिपरेशंस करेक्ट, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, डोसेज फॉर्म इज नीडेड टू प्रोवाइड व्हाट डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स सोल्यूबल इन सुटेबल व्हीकल. तो डोसेज फॉर्म क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? तो सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स सोल्यूबल इन सुटेबल व्हीकल, लिक्विड डोसेज फॉर्म सोल्यूबल इन सुटेबल व्हीकल, सेमी सॉलिड और गैसेस. तो ये क्यों जरूरी है? अगर ड्रग सोल्यूबल इन सुटेबल व्हीकल है तो इसे हम कौन से डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड डोसेज फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, dosage form is needed to provide what type of released action through controlled mechanism. Delayed, ये contra indicating है ना, controlled है और delayed है तो ये match नहीं होता. Determined है तो control नहीं हो सकता. Determined है मतलब कि हमारे under पूरा उसका mechanism है, तो controlled में हम पूरी तरह से assurance नहीं देते. Fast और कंट्रोल, फिर एक बार ये क्या हुआ, ऑपोजिट वर्ड्स आए, तो सही मतलब है सस्टेन. सस्टेन मतलब स्लो, धीरे धीरे. ये धीरे धीरे और कंट्रोल कुछ तो मिल जाता है, इसका मेल होता है. तो डोसेज फॉर्म इज नीडेड टू प्रोवाइड सस्टेन रिलीज एक्शन थ्रू कंट्रोल मैकेनिज्म. डोसेज फॉर्म इज नीडेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन या उलोभ्य. तो डोसेज फॉर्म क्यों जरूरी है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का प्रोटेक्शन करना है. किसके अगेंस्ट? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, तो ये तीनों के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करना है. सो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. तीनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करते हैं हम यूजिंग सम एडिटिव एक्सिपिएंट्स, और दैट्स व्हाई डोसेज फॉर्म इज नेसेसरी. नेक्स्ट इज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म इज इजी बेस्ड अपॉन इट्स. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डोसेज फॉर्म कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है या फिर गैसियस है? तो हम उसके कलर या शेप और जो फिजिकल नेचर है इसके बारे में जानने के बाद हम बता सकते हैं कि ये कौन सा है. सो करेक्ट आंसर इज कलर एंड शेप. नेक्स्ट इज, डोसेज फॉर्म्स प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी. अभी इनहेलेशन थेरेपी है, ये लंग्स के यहाँ जाती है और ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती है. तो ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम और कोई रूट है तो चलेगा, यहाँ पे अगर मैक्सिमम हुई तो हम पूरी तरह से इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं. तो इनहेलेशन थेरेपी के लिए ऑप्टिमम होनी चाहिए, मतलब कि सही होनी चाहिए, ना कि ज्यादा ना कि कम, बराबर होनी चाहिए. नेक्स्ट इज, डोसेज फॉर्म्स प्रोवाइड ड्रग एक्शन थ्रू टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन. सो अगर ये टॉपिकल है मतलब स्किन पे लगाना है तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एक्शन चाहिए, ना मिनिमम ना ऑप्टिमम, क्योंकि स्किन है तो चलता है. डोसेज फॉर्म्स प्रोवाइड फैसिलिटेशन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटीज. सो बॉडी कैविटीज में हो तो इंस्टिलेशन मतलब ड्रॉप्स, इंजेक्शन मतलब कि जो हम नीडल के द्वारा लेते हैं, पोरिंग मतलब कि पूरी तरह से वो पोर करना. तो ये सही आंसर है इंसर्शन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज, मतलब कि सपोजिटरीज, पेसरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डोसेज फॉर्म्स प्रोवाइड प्रोविजन फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ इनसोल्यूबल ड्रग इनटू गिवन व्हीकल, फॉर एग्जांपल सस्पेंशन. मतलब कि ये अगर इनसोल्यूबल ड्रग है आपका तो आप उसे और कोई भी डोसेज फॉर्म लाइक सस्पेंशन में बना सकते हैं. तो ये आपको डोसेज फॉर्म प्रोविजन देता है, आपको ये ऑप्शन देता है. ये सही है गलत है? तो सही है. सस्पेंशन में हम ऑलमोस्ट जो इनसोल्यूबल ड्रग है वही बनाए जाते हैं. डोसेज फॉर्म्स गिव सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ क्या, किसकी? तो एक्यूरेट डोज की सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी डोसेज फॉर्म हमें देते हैं. तो सही आंसर है एक्यूरेट डोज, तो डोसेज फॉर्म देते हैं. लास्ट, डोसेज फॉर्म मास्क व्हाट ऑफ फॉर्मुलेशन, क्या मास्क करते हैं, क्या ये पूरी तरह से कवर करते हैं? अनप्लीजेंट टेस्ट, कलर, शेप, ऑल ऑफ द अबव. यस, ये पूरी तरह से सभी को कवर करते हैं, और स्पेशली अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑब्नॉक्सियस ओडर. कलरिंग एजेंट यूज किए तो कलर हम कवर कर सकते हैं. तो सही आंसर है अनप्लीजेंट टेस्ट, और एक आंसर है ऑब्नॉक्सियस ओडर. सो दैट वाज अबाउट द एमसीक्यूज ऑन इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म
and need of dosage form. Thank you so much for watching this video.